वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबनों गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब की लख लख वधाई हो। मैं मनजोत कौर बी एक सेमेस्टर 1 MGN कॉलेज की विद्यार्थन हाँ। तो अज मैं आप जी के सामने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन, जीवन उपदेश और शहादत बारे संखेप गल करांगी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी सिखा दे नौवें ऐसे गुरु होए हैं जिन्हों शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी दे पोतरे, चार साहिबजादियां दे दादा जी सूरबीर बचन के बली मीरी पीरी दे मालक योधे गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे सपुत्र, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन कै हेत साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पिता होण दा माण हासिल है। आप जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 दिन ऐतवार नूं माता नानकी जी दी कुखों अमृतसर, जिथे अजकल गुरुद्वारा गुरु के महल स्थित है, विखे होया। आप जी गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे 5वें अते सब तो छोटे सपुत्र सन। बचपन विच आप जी दा नाम त्यागमल सी, पर जदों अमृतसर ते करतारपुर दी जंग विच पेंदे खां विरुद्ध तेग बहादुर जी दे जोर विखाउण ते गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने आप लई त्यागमल नहीं बल्कि तेग बहादुर होण दा लकब वरत्या ते फिर इस नाम नाल ही प्रसिद्ध होए। छोटी उम्र विच ही गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा विआह करतारपुर वासी लाल चंद अते बिशन कौर सपुत्री बीबी गुजरी नाल 14 सितंबर 1632 ईस्वी नूं होया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपना अंतिम समा नेड़े जान के संगतां नूं गुरियाई बारे हुक्म दिता कि बाबा वैस ग्राम बकाले, जिसका भाव सी कि अगला गुरु पिंड बकाले विखे है। गुरु गद्दी दे वारस बनन दी दौड़ विच बाई पेखी नकली मंजियां ला के अपने आप नूं गुरु खवाउण लई बैठ गए। भाई मक्खण शाह लुबाणा वालों अपने सच्चे प्रीतम गुरु तेग बहादुर जी नूं लभ के गुरु लादोरे दा नारा मारन वाली साखी तो ते सारा सिख जगत वाकफ है। पर यह गल वखरी है कि अज दा सिख श्रद्धालु शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप नूं विच प्रत्यक्ष सन्मुख गुरु सामने हन, पर दुचित्ती विच फिरदा है। आप 20 मार्च 1665 नूं 43 वरियां दी उम्र विच गुरु गद्दी उत्ते बैठे अते आनंदपुर बस्ती दी स्थापना कीती, जो कि खालसे दी जन्म भूमि वजो प्रसिद्ध हुई। आप जी ने समय समय ते अपनिया भावनावां नूं प्रगट करन लई 15 रागां विच 59 शब्द दी रचना कीती अते 57 सलोक वी हन जो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हेठ अंत उत्ते संकलित हन। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी मायावी संसार तो नाम सिमरन वल प्रेरदी है। समुची बाणी मायावी संसार नाल संबंध रखते हर एक जीव पदार्थां नूं त्याग के परमात्मा रूपी स्थिर रहन वाली होंद नाल रिश्ता जोड़न की ताकीद करती है। गुरु साहिब जी ने घर बार त्यागण की थां गृहस्थ विच रहिंदिआं हसदिआं खेडदिआं मुक्ति प्राप्त करन दा संकल्प पेश करती है। गुरु तेग बहादुर जी ने वैराग राही मनुख नूं पैपी नहीं किया, सोगे वैराग उस अवस्था नूं किया जाता है जिस विच मनुख संसार दी अस्थिरता दा भेद पा के इस वलों अपना मोह त्याग के परमात्मा नाल जुड़दा है। गुरु साहिब जी दी बाणी सानू यह दसदी है कि साडे लई की चंगा है ते साडे लई की माड़ा है ते सानू किस तरह ये दुनियावी चीज़ों तो उठ के उस परमात्मा नाल रिश्ता जोड़ना चाहिदा है। गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक देव जी द्वारा चलाए गए सिख धर्म के 9वें ऐसे गुरु हैं जिन्हों गुरु अर्जन देव जी तो बाद शहीद होने का माण हासिल है। गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंदी चादर का किताब भी मिलिया है। जदों समय के हाकम औरंगजेब ने कश्मीर के ब्राह्मणा नूं मुसलमान बनाउणा चाहिया तो कश्मीर ब्राह्मण इस औखी स्थिति विच अपने आप नूं बचाउण लई श्री गुरु तेग बहादुर जी दे पास आए अते बेनती कीती। औरंगजेब ने गुरु जी नूं गिरफ्तार किया अते होर भी सिखां नूं गिरफ्तार किया, जिस विच भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी नूं तसीहे दे के शहीद किया गया। फिर गुरु तेग बहादुर जी नूं 1674 विच चांदनी चौंक विच शहीद कर दिता गया। इस तरह दी गौरवमई शहादत ने सिर्फ सिख इतिहास नूं
नवा मोड़ ही नहीं दिता, सगो पूरे विश्व नू हक, सच, इंसाफ अते धर्म लई मर मिटन दा जज्बा पैदा करन विच अहम भूमिका निभाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।